क्रिकेट फील्ड में एक यंग बॉलर का करियर बहुत टफ होता है। इसे खुद को मनवाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और टीम में मौजूद बॉलर से भी बेस्ट परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, तभी तो वो इनसे आगे निकल पाता है और ये किसी चैलेंज से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे यंग बॉलर्स के बारे में बताएंगे जो इतने टैलेंटेड हैं कि कई अच्छे अच्छे बॉलर्स को पीछे छोड़ चुके हैं और यकीनन ये फ्यूचर में स्टार बॉलरों की संख्या में बेशुमार होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो ऐसी लेटेस्ट क्रिकेट वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में दोस्तों, अगर आप खेलते हैं ड्रीम इलेवन तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएगा, जिसका की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे रोजाना आपको ड्रीम इलेवन की स्मॉल की टीम प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, साकिब महमूद इंग्लैंड। साकिब महमूद इंग्लैंड के उभरते हुए यंग बॉलर हैं। वो एक अटैकिंग बॉलर हैं और अच्छे खासे पेस वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं। इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट में इनकी परफॉर्मेंस शानदार थी। वे अपनी स्पीड और स्विंग के साथ अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की छक्के छुड़ा चुके हैं। साकिब स्पीड के साथ साथ कुछ दूसरे स्किल भी रखते हैं, जैसे वो लेग कटर और स्लोअर डिलीवरी से बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल देते हैं और दिन प्रतिदिन इनकी स्पीड भी इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। 22 साल साकिब महमूद 145 की रफ्तार से बॉल फेंक सकते हैं। साकिब महमूद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और अफ्रीका के खिलाफ ODI मैचेस भी खेल चुके हैं, जिसमें स्पीड गन ने अपने कोचेस को काफी इंप्रेस भी किया। साकिब एक खूबसूरत हाई आर्म से गेंद करते हैं और फ्यूचर में वो जोफ्रा आर्चर के साथ अटैक करते हुए नजर आएंगे। 4, जय रिचर्डसन। ऑस्ट्रेलिया के पास हमेशा कोई ना कोई स्पीड मास्टर बॉलर मौजूद होता है और नया आने वाला बॉलर पहले वाले की जगह संभाल लेता है। अब देखते हैं यंग बॉलर रिचर्डसन किसकी जगह लेते हैं। ये 23 साल यंग टैलेंटेड ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग से सामने आया था और इनकी वीक बैच में जबरदस्त परफॉर्मेंस पर इनको नेशनल T20 साइन में शामिल कर लिया गया और इसके बाद इनको श्रीलंका और इंडिया के खिलाफ खेलने का मौका मिला और इंडिया के खिलाफ तो वो 3 मैचेस में 2 बार विराट कोहली का शिकार कर चुके हैं। रिचर्डसन अभी तक 12 मैच जिसमें 24 विकेट ले चुके हैं। रिचर्डसन बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग और फील्डिंग में भी जबरदस्त हैं। अपनी इन्हीं एबिलिटी की वजह से सीनियर क्रिकेटर रिचर्डसन को एक स्टार के रूप में देख रहे हैं। नंबर 3, मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान को बॉलर की सरजमी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट को कई अच्छे बॉलर दिए। जहां एक अच्छे बॉलर का करियर खत्म होता है तो कोई न कोई यंग बॉलर इसकी जगह लेने को तैयार खड़ा होता है। मोहम्मद हसनैन भी एक ऐसे ही यंग टैलेंटेड बॉलर हैं जो अपनी स्पीड की वजह से काफी जाना जाता है। हसनैन 19 साल की एज में ही 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल कर लेते हैं और वो बांग्लादेश के खिलाफ ODI मैच में हैट्रिक भी कर और रिसेंटली PSL में इनकी परफॉर्मेंस ने इनके इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए। हसनैन PSL के 9 मैचेस में 15 विकेट ले चुके हैं। अगर वो ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहे तो वो जल्द ही पाकिस्तान के रेगुलर बॉलर होंगे। नंबर 2, कमलेश नागरकोटी, इंडिया। वैसे तो इंडिया को बल्लेबाजों की सरजमी कहा जाता है, मगर अब टाइम चेंज हो चुका है। अब इंडिया के पास भी कई पेसर्स बॉलर मौजूद हैं और कुछ न्यू यंग टैलेंटेड बॉलर्स भी IPL और डोमेस्टिक में अपना जलवा दिखा चुके हैं और ऐसे ही एक यंग बॉलर्स कमलेश नागरकोटी भी हैं। ये 19 साल यंग बॉलर U19 वर्ल्ड कप में सामने आया था और इसी साल इंडिया ने U19 वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। इनके टैलेंट की वजह से क्रिकेट एक्सपर्ट और सीनियर को एक स्टार की तरह देख रहे हैं। U19 वर्ल्ड कप के बाद कमलेश को IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलने का मौका मिला। अगर इनके कैरियर में सब कुछ परफेक्ट चलता है तो ये इंडिया के रेगुलर बॉलर होंगे। कमलेश चंद उन बॉलरों में से एक हैं जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल करते। नंबर 1, नसीम शाह। पाकिस्तान के पास हर दौर में कमाल के बॉलर रहे हैं। नसीम शाह भी एक ऐसे ही यंग बॉलर हैं जो बहुत ही यंग एज में खुद को मनवा चुके हैं। मोहम्मद हसनैन की तरह नसीम भी एक पेसर है, लेकिन एज में वो हसनैन से भी छोटे हैं। नसीम शाह PSL में क्वेटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से खेल चुके हैं। पाकिस्तान के पास अभी नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान और शाहीन अफरीदी जैसे डिसेंट बॉलर मौजूद हैं। शाहीन अफरीदी
द्विवेदी अभी एक स्टार बॉलर बन चुके हैं और यही चीज नसीम शाह को बेहतर बनाती है। नसीम शाह टेस्ट साइड में पहले अपनी जगह बना चुके हैं और श्रीलंका बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट तबाह से इन्होंने सबको इम्प्रेस किया था, बल्कि और टेस्ट क्रिकेट में तो हैट्रिक भी कर चुके हैं। अगर वो ऐसी परफॉर्म करते रहे तो फ्यूचर में नसीम शाह और शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के अटैकिंग बॉलर होंगे और लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन तो हमेशा ही कमाल का रहता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपके ख्याल में कोई यंग टैलेंटेड बॉलर है जो इस टॉप 5 में होना चाहिए तो अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।